नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। दिल्ली एमसीडी चुनाव, बीजेपी आदेश गुप्ता और मनोज तिवारी ने पार्टी का वचन पत्र किया लॉन्च। पात्रा चावल घोटाले में जमानत पर रिहा हुए शिवसेना सांसद संजय राउत बोले, जल्द ही पीएम मोदी और अमित शाह से मिलने जाऊंगा। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी सियांग में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.7 तीव्रता। गुजरात चुनाव, भाजपा ने जारी की 160 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में सीएम भूपेंद्र पटेल घाट लोधिया से लड़ेंगे चुनाव। मनी लॉन्ड्रिंग केस, जैकलीन फर्नांडिस की जमानत पर फैसला होगा आज। कोर्ट में पेश हुई अभिनेत्री। दिल्ली शराब घोटाला, ईडी ने एक और आरोपी शरद रेड्डी को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं के साथ नांदेड़ के काशी चौक से की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल होगा आज। भारत और इंग्लैंड के बीच होगा कड़ा मुकाबला। पोर्ट ब्लेयर अंडमान और निकोबार द्वीप के पास 4.3 की तीव्रता से लगा भूकंप के झटके। और पीएम मोदी 11 नवंबर को कर्नाटक तमिलनाडु जाएंगे, 12 नवंबर को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का करेंगे दौरा।